Amazing news! FSSAI ने दो नए rules pass किए हैं जिससे juice companies की गलत marketing कम होने वाली है. Rule number one, companies 100% fruit juice नहीं लिख सकते हैं. इतने सालों से ये दो companies अपने आप को 100% juice बुलाते रहे हैं, लेकिन इनमें सिर्फ लगभग 20% orange concentrate है. अच्छी बात ये है कि ये नए rule के कारण अब ये दो companies 100% juice नहीं लिख पाएंगे. Rule number two, अगर 1 kg जूस में 15 ग्राम चीनी से ज्यादा है तो उन्हें अपने आप को स्वीटेंड जूस बुलाना पड़ेगा. तो अब से ये जूसेस को भी स्वीटेंड जूस लिखना होगा. भारत के 140 करोड़ लोग में अगर 1 करोड़ लोग भी ये जूसेस पीते हैं तो शायद 1 करोड़ लोग स्वीटेंड जूस वर्ड देख के खरीदने के पहले दोबारा सोचेंगे, और ये बहुत बड़ी जीत है. मैंने ये दोनों कंपनीज के खिलाफ 1 साल पहले भी वीडियो बनाया था. 1 साल पहले ही रियल जूस ने मुझे लीगल नोटिस भेज के मेरा वीडियो हटवाया था. लेकिन अगर आज रियल जूस को लीगल नोटिस भेजना है तो मेरे को नहीं, FSSAI को भेजो. थैंक यू FSSAI ये अमेजिंग रूल्स लाने के लिए. और सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि जूस में कंजूस मत बनो और रियल के बदले ना रियल पियो.